हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में जैकेट की कटिंग और स्टिचिंग आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इस तरीके की जैकेट काफ़ी ट्रेंड में चल रही है चिकन फैब्रिक में, तो आज हम चिकन फैब्रिक से शॉर्ट जैकेट बनाएंगे विद फुल स्लीव्स के साथ। तो यहाँ पर इसके लिए मैंने 1 मीटर फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम यहाँ पर फैब्रिक को खोल लेंगे, अच्छे से खोल कर इसको बिछा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से 4 फोल्ड करके रखा है, इसकी ओपन साइड है, इसकी विड्थ है यहाँ पर मैंने ली है 11.5 इंच, और इसकी लेंथ ली है यहाँ पर मैंने 17 इंच, यहाँ पर तैयार चाहिए तो 1 इंच एक्स्ट्रा ली है 18 इंच। सबसे पहले शोल्डर्स के लिए निशान लगाएंगे, तो यहाँ पर ले रही हूँ मैं 7.5 इंच। आर्मोल्स की लेंथ भी यहाँ पर मैं 7.5 इंच ले रही हूँ, यहाँ पर भी हम 7.5 इंच का निशान लगाएंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर चेस्ट की फिटिंग के लिए निशान लगाएंगे, तो यहाँ पर 10.5 इंच ले रही हूँ, 10 इंच यहाँ पर फिटिंग है, और यहाँ पर ले रही हूँ 9 इंच, 1/2 इंच इसमें एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि जब हम इसको आगे की साइड से यहाँ पर इसमें सिलाई में जाएगा तो आपको 1/2 इंच इसमें एक्स्ट्रा लेना है, तो यहाँ पर ले रही हूँ मैं 9 इंच। दोनों निशान को इस तरीके से मिला लेंगे। इसके बाद 1 इंच लेंगे यहाँ पर मार्जिन का, और इन निशानों को भी यहाँ पर मिला लेंगे। आर्मोल्स के लिए लगाएंगे 1.5 इंच, और यहाँ पर इस तरीके से गोलाई का निशान लगाएंगे, 1/2 इंच एक साइड लगाएंगे, और यहाँ पर भी इस तरीके से फ्रंट आर्मोल के लिए यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों ही आर्मोल्स के लिए यहाँ पर निशान लगा लिया है। 1/2 इंच यहाँ पर सिक्के शोल्डर्स को डाउन देंगे, और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद बैक पार्ट को अलग रखेंगे और फ्रंट पार्ट लेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने फ्रंट पार्ट के आर्मोल्स की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट के आर्मोल्स की भी कटिंग कर ली है। इसके बाद नेक के लिए यहाँ पर मार्किंग करेंगे, तो यहाँ पर इसकी विड्थ ले रही हूँ 3 इंच, और इसकी लेंथ यहाँ पर ले रही हूँ 4 इंच। इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे और राउंड शेप का यहाँ पर निशान लगा लेंगे। ये फ्रंट नेक की कटिंग कर रहे हैं, यहाँ पर हम नेक के लिए हम यहाँ पर निशान लगा लिए हैं और इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद यहाँ सेंटर में से इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको सेंटर में से कट कर लिया है, तो फ्रंट पार्ट हमारा 2 पीसेस में कट हो चुका है। इसके बाद बैक पार्ट के नेक की कटिंग करेंगे, यहाँ पर नेक की विड्थ लगाएंगे 3 इंच, और यहाँ पर बैक नेक की डीपनेस ले रही हूँ मैं 1 इंच। इसे निशान लगाने के बाद हल्का सा राउंड शेप का निशान लगाएंगे, 1 इंच यहाँ पर मैंने इसकी डीपनेस ली है, और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे फ्रंट और बैक दोनों के ही नेक की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स की कटिंग करने के लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। इसकी विड्थ है 10 इंच, और इसकी लेंथ है यहाँ पर 19.5 इंच, 1.5 इंच करीब इसमें हमें एक्स्ट्रा लेना है नीचे से फोल्ड करने के लिए। यहाँ पर 2.5 इंच का निशान लगाएंगे और स्लीव्स को शेप देंगे बिल्कुल इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पर स्लीव्स की फिटिंग का निशान लगाएंगे 5 इंच, और 1 इंच लेंगे मार्जिन का। इस तरीके से आर्म्स की फिटिंग का भी यहाँ निशान लगाएंगे। इसके बाद सभी निशानों को मिला लेंगे और यहाँ पर हम अपनी स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे।
यहाँ पर हमारे स्लीव्स की भी कटिंग हो चुकी है और जैकेट की भी कटिंग हो चुकी है। इसको इस तरीके से यहाँ से स्लीव्स को फोल्ड करके यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। सबसे पहले इसका फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। यहाँ पर फ्रंट पार्ट जो है हमारा दो पीस में इस तरीके से, तो एक पीस इसका लेंगे और इस पर लगाने के लिए मैंने ये स्ट्रिप ली है। ये सीधी स्ट्रिप है, इसकी चौड़ाई है 1.5 इंच और इसकी लंबाई उतनी ही लेनी है जितनी यहाँ पर हमारी जैकेट की लंबाई है। इसकी राइट साइड पर इसको इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर सीधी सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से एकदम सीधी सिलाई लगानी है यहाँ पर। एक्स्ट्रा को कट कर लेंगे। इसके बाद इसको इस तरीके से खोलकर रखेंगे और 1/2 इंच अंदर की साइड फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से इसकी बैक साइड पर इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे सीधी एकदम। आप यहाँ पर तुरपाई भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से पट्टी को अटैच कर लिया है। दूसरे पार्ट को भी हम जैकेट के इसी तरीके से तैयार करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से पट्टी लगाकर यहाँ पर इसको फोल्ड करना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों ही पार्ट को इस तरीके से रेडी कर लिया है। जो हमारा दूसरा पार्ट था वो भी रेडी हो चुका है। इसके बाद ये मैंने बैक पार्ट लिया है, यहाँ पर शोल्डर्स को अटैच करेंगे जैकेट के। तो बैक पार्ट पर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे, दोनों की राइट साइड को फेस करते हुए रखना है और इस तरीके से यहाँ पर इनको मिलाएंगे और सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर अच्छे से पक्का करते हुए सिलाई को यहाँ पर लगाना है। दूसरे पार्ट को यहाँ पर रखेंगे और इस पर भी अच्छे से पक्का करते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने शोल्डर्स अटैच कर लिए हैं। अब हम इसके नेक को रेडी करेंगे। यहाँ पर नेक को पर लगाने के लिए मैंने स्ट्रिप ली है, ये क्रॉस स्ट्रिप है। इसकी चौड़ाई है करीब 2 इंच। इसको फोल्ड करके मैंने इस पर अच्छे से प्रेस की हुई है। नेक की राइट साइड पर इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे फोल्ड करते हुए स्ट्रिप को और यहाँ पर अच्छे से पक्का करके सिलाई लगा लेंगे। जो हमारी स्ट्रिप है इसको हल्का सा खींचते हुए यहाँ पर लगाना है। अगर आप इस तरीके से हल्का सा खींचते हुए पट्टी को अटैच करेंगे नेक पर तो इसमें काफ़ी अच्छी फिनिशिंग नज़र आएंगी। जैकेट के फैब्रिक को हमें नॉर्मली रखना है, लेकिन हमें जो हमारी पट्टी है उसको हल्का सा खींचते हुए सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर लाकर इसको इस तरीके से एक्स्ट्रा को फोल्ड कर लेंगे अंदर की साइड। 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर उसको अंदर की साइड फोल्ड करना है और अच्छे से पक्का करके सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इसको इस तरीके से खोल लेंगे और एक सिलाई यहाँ पर लगाएंगे। इस तरीके से पूरे गले पर यहाँ पर हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। बहुत ही फिनिशिंग से एकदम हमारी पट्टी जो है आपको बहुत ही अच्छे से नजर आएंगी। एकदम किनारे पर यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से नेक हमारा रेडी है। इसके बाद हम इसकी स्लीव्स को रेडी करेंगे। तो नेक हमारा यहाँ पर मैंने पट्टी से बनाकर एकदम तैयार कर लिया है। अब हम इसकी स्लीव्स को रेडी करना है। तो ये मैंने स्लीव्स ली है, नीचे की साइड से इसको फोल्ड करेंगे। इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे।
दूसरी स्लीव्स को भी बिल्कुल इसी तरीके से तैयार करना है। अब यहाँ पर इसको जैकेट में अटैच करेंगे। स्लीव्स की और जैकेट की दोनों की राइट साइड को मिलाते हुए रखना है और इस तरीके से इसको अटैच करते हुए जाएंगे। यहाँ पर हमने स्लीव्स को अटैच कर लिया है इस तरीके से। दूसरी स्लीव्स को भी बिल्कुल इसी तरीके से अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। फिटिंग का निशान लगाकर यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है फिटिंग की। तो नीचे तक इसी तरीके से यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड भी यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगानी है। जिस तरीके से हमने दूसरी साइड लगाई थी यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरीके से फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस पर फिटिंग की सिलाई लगा ली है। इसके बाद इसको नीचे की साइड से इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करते हुए इस पर यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारी नीचे की साइड से भी फोल्ड हो चुकी है। हमारी जैकेट एकदम तैयार है। तो यहाँ पर मैंने इस पर नेक पर धागे की डोरी बनाकर लगाई है और धागे से ही मैंने यहाँ पर इस पर ये सिल्क की लटकन बनाई है। इस तरीके से यहाँ पर इस पर डोरी बनाकर अटैच की है नेक पर। तो हमारी चिकन फैब्रिक से जैकेट एकदम तैयार है। इस तरह की जैकेट काफ़ी ट्रेंड में चल रही है। आप इसको घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही। न्यू वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।